रहे हैं और पीआरजे का भी ट्रेन का टाइम है 7 बजे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यही बताऊं गाइस, बारिश से एकदम फ्रेश लग रहा है आज जगह। मतलब सुबह सुबह उठे हैं 6 बजे और धूप तो अभी तक नहीं निकला है, 7 बज गया है फिर लग रहा है बट ऐसे ठीक है, बारिश आने से थोड़ा गर्मी कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलकाता में गर्मी था गाइस, तो आज थोड़ा लग रहा है ठंडा ठंडा। कल बारिश और तूफान आया तो उसका वजह से रोड बहुत गंदा लग रहा है तो कैसे स्पेशली संडे है तो चलते हैं आज सेंटर में कुछ करते हैं यार। फिर हे गाइस, तो सेंटर पार्क तो आ गया हूँ, काफ़ी कूल लग रहा है क्योंकि कल बारिश हुआ था ना, अच्छा स्मेल आ रहा है। चलो गाइस, तो इधर से निकल रहा हूँ सेंटर पार्क से। तो गाइस, मैं सेंटर पार्क से निकल गया हूँ और अभी मेरे को जाना पड़ेगा घर क्योंकि आज संडे है। बट आप लोग सोच रहे होंगे अरे छुट्टी होगा, बट नहीं, छुट्टी नहीं है कुछ, क्योंकि 7 तारीख आंटी जी घर में शायद मेहंदी या फंक्शन कुछ जो भी हो तो अभी सजाने उजाने का सब मेरे काम मिला है, तो अभी देखते हैं कैसा मैं सजा पाता हूँ। कुछ डिज़ाइन निकाले हैं, कुछ फ़ोटो मतलब, तो सोचे उस टाइप का, देखते हैं गाइस, ट्राई करते हैं फिर। तो चलो सेंटर पार्क से निकल गया, घर चलते हैं फिर क्या। हे गाइस, तो क्या हुआ ना, अभी नहाया नहीं हूँ, संडे थोड़ा लेट से नहाऊंगा, तब तक सोचे चलो दुकान चलते हैं। और दुकान तो आज बंद है, लाइक कुछ सजाना बजाने का काम है, तो चलो चलते हैं फिर घर से और नाश्ता भी कर लिया हूँ, तो चलो चलते हैं फिर क्या सीन, देखते हैं। तो गाइस फाइनली आ गया हूँ घर में आंटी जी का, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, देखते हैं। तो अभी देखो स्लिंग में कुछ बनाएंगे नया सा डिजाइन, अरे मतलब सजाएंगे भाई कुछ तो नया देखते रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। तो गाइस रेडी होते हैं फिर, तो अभी सब शादी का पैकिंग करना है। तो गाइस अभी प्लानिंग चेंज हो गया क्योंकि गिफ्ट करना है, सब सामान वान पैकिंग करना क्योंकि शादी बहुत करीब आ गया, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हो गया। अभी देखो बादाम काजू ये सब है पैक करना है गिफ्ट के लिए, तो गाइस वो तो पार्टी 7 तारीख का, इसको पहले पैक करना होगा, तो अभी लेके जा रहे हैं दूसरा बिल्डिंग में और उस जगह पर पैक करेंगे, तो दिखाते कैसे पैक करते हैं। और काफ़ी कुछ इसके अंदर है, काजू बादाम किशमिश, तो गाइस अभी लेके चलते हैं गाड़ी से, बहुत टाइम हो रहा है। चलो तो पूरा सामान कैसे नहीं ला पाए, थोड़ा सा बच गया है तो बाद में ले चलते हैं, पहले इतना रख के आते हैं। आई भी पूरा सामान लोड हो गया है, ये साइड में डाल। अभी टाइम लगेगा बहुत पैक करना, 100 पीस तो थोड़ा टाइम लगेगा इस, तो दिखाते हैं कितना टाइम लगता है पैकिंग करने में, पता नहीं। अभी पैकिंग कर रहे हैं और दिखाओ क्या क्या कर। देखो काजू बादाम किशमिश और इसमें मेन पैकिंग हो रहा है, इसमें सब डाल रहे हैं, इसका बाद इसको कपड़े में कवर। ऑलमोस्ट हो चुका है तो अभी थोड़ा लंच करते हैं गाइस, फिर इसको बाद दिखाते हैं पैकिंग। मैं घर आ गया हूँ और लंच तो 5 बज गया, लंच क्या कर ही लेता हूँ थोड़ा, और जा रहा हूँ नहाने के लिए। अभी सुबह से नहाया नहीं, बिजी था, तो अभी जा रहा हूँ गाइस नहा के, फिर नहा के मिलते हैं। और आज पैकिंग करने के लिए नहीं जा रहा क्योंकि पीआरजे बाहर निकल रहा है कोलकाता से, तो उसे मिलना है, तो आंटी को मैं फ़ोन कर दिया कि कल आऊँगा, आज नहीं जाऊँगा क्योंकि यार 4 ऐसे ऑलरेडी 5 बज गया और क्या ही जाके करूँगा, तो इसी वजह से पीआरजे से मिलना है क्योंकि पीआरजे का 7 बजे ट्रेन है। तो गाइस तो अभी चलते हैं पीआरजे से मिलते हैं क्योंकि पीआरजे से मिलना ज़रूरी है। तो गाइस अभी निकला हूँ और अभी रास्ते में हूँ। तो गाइस देखो फाइनली मिल गए पीआरजे से और पीआरजे मेरे को छोड़ के चला जा रहा है क्या ही बताऊँ, मतलब यार आज 7 बजे चल जाएगा और अरे फिर आ जाएंगे भाई, अरे तुम 15 तारीख आएगा तब तक हम मिले या ना मिले क्या जाने, मतलब हम तो किसी से मिलता नहीं है यार, तुम्ही से मिलता था थोड़ा बहुत। गाइस तो पीआरजे का घर पर क्या शादी वादी है, तो चला जा रहा है कहीं और, मतलब होम टाउन जा रहा है ना। तो अभी कुछ दिन नहीं मिलेगा मेरे से और नहीं आएगा ब्लॉग में भी, कभी कभी आता है ऐसे, देख रहे हैं बॉडी वोडी डोला सोला बना लिया है और क्या ही बताऊं गाइस, तो मिल नहीं है प्यार जैसे दिनों के बाद। हाँ जरूर जरूर मिलना भाई, और हम सोचे थोड़ा मिल लेते हैं प्यार जैसे अपना
एरिया में थोड़ा टहल लेते हैं। फिर कब पता नहीं आना होगा, कब आएगा, 15 दिन तो अभी नहीं आएगा, 15 तारीख तक तो नहीं आएगा। ऐसे हम भी बिजी रहेंगे 11 या 12 तारीख तक, क्योंकि बिजी है। चलो सबका साथ ही घर में, सब लोग इंजॉय करो, सबका नहीं मतलब जब तक नहीं मिलता तब तक टाटा बाय बाय। तो गाइस चलो थोड़ा घूमते घूमते हैं फिर प्यार जी के साथ। और गाइस मतलब प्यार जी को एक बात बताना भूल गया, अभी तेरे पास आया मिलने के लिए, लाइक साइकिल मेरा घर के सामने रखता हूँ, तो कल बारिश हुआ तो बारिश से सीट भीग गया, सीट तो गया हुआ है मतलब ऊपर से। तो क्या अपना स्पॉन्ज जो होता है ना उसमें पानी था, हमको पता नहीं था, ठीक है, तो उस पर बैठा, अभी आके दिख रहा पैंट भीग गया मेरा। भाई क्या ही बताओ, कोई बोलेगा टॉयलेट कर दिया है। तो गाइस अभी थोड़ा प्यार जी के साथ मस्ती कर लेते हैं, मतलब 15 दिन नहीं रहेगा तो 15 दिन का पूरा एक साथ मस्ती कभी कर लेंगे। अब तो टाइम क्या बचा नहीं है, फिर भी जो भी टाइम है, जो भी टाइम है मतलब एक घंटा में। तो गाइस थोड़ा मस्ती वस्ती चल रहा है और कुछ देखते हैं फिर क्या है, प्यार जी चल जाएगा, अकेला ही रहूँगा। तो गाइस चलो हम घर निकल रहे हैं और प्यार जी का अभी ट्रेन का टाइम है 7 बजे, तो अभी 6 बजने वाला है। हाँ अब हम भी निकलेंगे। चलो प्यार जी बाय बाय, आप लोग बाय बाय। अरे आएगा भाई, ब्लॉग में लेके आएंगे। तो चलो बाय बाय प्यार जे, निकलते हैं और गाइस हम जाते हैं घर। और क्या, इधर घर के सामने आ गया हूँ गाइस, अब बारिश हो रहा है बहुत जोर, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।